तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से निर्भय होकर ये बाबा साहब की जो तस्वीर है उसको आग लगा रहा है। सर जी स्टेचू हस्ती बढ़ा करके और उसको गोबर के ढेर के ऊपर खड़ा करके अग्नि देने का काम किया था। संपन्न है आज के दिन हम उन सामंतवादी लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। मानिए सामंतवादी लोगों विचारधारा के लोग है वो सरेआम कहते हैं कि गोली मारो साड़ों को। हम उन ताकतों से कहना चाहता हूँ अब आपकी नहीं चलेगी, ये देश मेरे बाबा साहब के संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा। और अगर आपने एक हिम्मत की तो मैं बहुजन समाज से प्रदेश को बहनों को बेटियों को नंगा घुमाने की साजिश रच रहे हैं। शहर से हमारी भीम आर्मी और बहुजन समाज के भारतवर्ष की आवाज़ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो क्या था साथियों, ये एक विचारधारा का मामला है जो आज के दिन सामंतवादी जो सरकारें हैं जो आरएसएस जैसे संगठन हैं और बाबा साहब की विचारधारा एक अलग है, बाबा साहब की विचारधारा एक जोड़ने का काम करती है और उन सामंतवादी विचारधारा के लोगों का काम है तोड़ने का, उनकी विचारधारा तोड़ने का काम करती है और जो जोड़ने वाली विचारधारा है उसको ख़त्म करने का षड्यंत्र वो रचते रहते हैं। बाबा साहब का कभी स्टेचू उखाड़ करके कभी उंगली तोड़ करके तमाम, और अब जो उकलाना के बूढ़ा खेड़ा गाँव में जो एक हरकत करी है कि बाबा साहब के बैनर फोटो को एक गोबर के ढेर के ऊपर जलाने का जो साहस जुटाया है तो ये एक किसी अनपढ़ आदमी की किसी अनपढ़ की एक नशेड़ी की ये बात नहीं है। एक नॉर्मल आदमी चीज को अंजाम नहीं दे सकता। इसके पीछे एक मैं चाहूँगा कि इसके पीछे सरकार और आरएस जैसे संगठनों का सामंतवादी लोगों का जिनको ये भारत का संविधान के साथ साथ मिल करके और इसको आगे बढ़ना नहीं चाहते, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, उन विचारधाराओं का एक काम है बाबा साहब को बूढ़ा खेड़ा गांव में गोबर के ढेर के ऊपर जलाने का जो काम किया है। जैसा एक वो व्यक्ति है वो एक दिखाई दे रहा, कहीं ना कहीं उसके पीछे और भी लोग हैं जो इस प्रकार का प्लान कर कर आए थे और 15 अगस्त के दिन उनकी जो तस्वीर है वो जलाई गई। देखिए 15 अगस्त एक भारत का एक त्यौहार है, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 77वां स्वतंत्रता दिवस, बड़ी धूमधाम से हर जाति धर्म के लोग चाहे महिला हो चाहे बहुजन समाज के हों, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल कास्ट तमाम लोगों जो भारत देश को संविधान से चलता है संविधान को मानने वाले लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग इस त्यौहार को धूमधाम से मना रहे थे। तब बीच में ये ऐसा 15 अगस्त के दिन में जो घटना को अंजाम दिया है ये सोची समझी प्री प्लान्ड तरीके से कहानी को अंजाम दिया गया है और ये दो बंदों का काम नहीं है। कल जो जिसने बाबा साहब के फोटो को आग लगाने का काम किया था उसे कड़ाई से इधर सत्तो साहब ने पूछा तो उसने बताया कि मान्यवर साहब मेरे को बाबा साहब की फ़ोटो खरीदने के लिए मेरे को पैसा दिया गया था, मैं उकलाना मंडी से फ़ोटो को खरीद के लेके आया हूँ और इसको एक घर पे बनाया गया था, घर पर सर से स्टेचू हस्ती बना करके और उसको गोबर के ढेर के ऊपर खड़ा करके अग्नि देने का काम किया था। तो असत्यो साहब ने आज रिमांड पे लिया हुआ है और रिमांड के अंदर हमें उम्मीद है कि हिसार की पुलिस सब कुछ उगलवा लेगी और इससे षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है किसका नहीं है इसके अंदर बहुत ताकतों का हाथ है और हमें उम्मीद है हरियाणा की पुलिस के ऊपर यहाँ के शासन प्रशासन के ऊपर इसको नंगा करने का काम करेंगे। षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है उस लोगों तो ये कौन व्यक्ति थे कहाँ के थे थोड़ा बताना चाहोगे? मैं कहूँगा कि भारत देश के अंदर दो विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं, एक संविधान को मानने वाले लोग और एक संविधान को न मानने वाले लोग। जो नहीं मानते उनको हम कहते हैं मनुवाद और ये जो काम करने वाले वो लोग हैं वो मनुवाद लोग हैं और वो ये नहीं चाहते कि इस देश के भारत को भारत रहना देना नहीं चाहते, वो टुकड़ा करने का उनका प्लान है। लेकिन हम बाबा साहब के हमें बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमें गांधी के हरिजन नहीं हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं और हम भी समझते हैं इस भारत देश को कैसे चलाना है। अगर हमारे बाप ने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस टाइम पर कोई साधन संपन्न नहीं थे उस दौरान अगर इस देश को भारत को चलाने का रास्ता तैयार करके दिया तो आज तो हम सब साधन संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान नौकरियां हमारे पास, SP CM DM सभी साधन संपन्न हैं। आज के दिन हम उन सामंतवादी लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। मान्यवर संविधान निर्माता ने देश को कुछ ना कुछ दिया और ऐसा क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने इस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया? सर कुछ नहीं कुछ नहीं, आप छोटी बात कर रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब कुछ दिया मान्यवर। आज मेरे मुंह में शब्द है, मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये आवाज़ बोलने का अधिकार उसने दिया, कपड़ा पहन रहा हूँ उसका अधिकार उसने दिया, बिस्लेरी
कि बोतलों में पानी पी रहे, हम तो तालाबों में पानी नहीं पीने दिया जाता था। पशुओं भी बदतर जिंदगी थी हमारे, पशु भी पानी पी सकते थे, कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते, तालाब में हमारे को पानी नहीं पिया जाता था। बाबा साहब ने महाड़ आंदोलन के तहत हाथ तुड़वा करके हमें पानी पीने का अधिकार दिलवाया है, पढ़ने का अधिकार दिलवाया है, चलने का अधिकार दिलवाया है, सभी ये अधिकार बाबा साहब ने दिलवाए हैं। और देश के तमाम उन लोगों को जो हजारों वर्षों सालों से एक विचारधारा के गुलाम बने हुए थे, उनके पास शिक्षा नहीं थी, उनके पास ज्ञान नहीं था, उनके पास नौकरियां नहीं थी, उनके पास बोलने की हिम्मत नहीं थी, उनके पास स्वाभिमान नहीं था, ये तमाम जो चीज़ें देने का काम किया है हमारे भारत देश के संविधान ने दिया है, मेरे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया है सब। तो अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है? प्रशासन जो यहाँ की जो रवैया था पुलिस का, मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने हिसाब से तो त्वरित कार्रवाई की है। तमाम दो जो पर्दे के सामने बिल्कुल जिन लोगों ने कहानी को अंजाम दिया है उन लोगों को गिरफ्तार किया और उनका रिमांड लिया हुआ है, लेकिन उन लोगों को अनदेखा करने की साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसको षड्यंत्र किसने रचा है उसको हम आगे लेकर के आने का जो आज प्रोपगंडा दिया, हमने मेमोरेंडम दिया है उसमें कहा गया है कि इस मामले को एक नॉर्मल FIR का मामला नहीं है, ये भारत देश का अपमान है, भारत का संविधान का अपमान है और इस बाबा साहब के अनुयायियों का अपमान है। इसको देशद्रोह के तहत तमाम इन लोगों को कार्रवाई की जाए और सलाखों के पीछे भेजने का काम करें और गांव बूढ़ाखेड़ा के अंदर बाबा साहब की स्टेचू को स्थापना की जाए और वहां पर बाबा साहब की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक सुनहरी लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए, ये हमारी मांगे थी। और हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है हरियाणा सरकार से, उकलाना हिसार की पुलिस से कि 7 दिन के अंदर ये पर्दाफाश किया जाए, षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है और ये जो हमारी बाबा साहब के स्टेचू का और लाइब्रेरी का निर्माण की जो बात है उसको 7 दिन के अंदर प्रक्रिया शुरू की जाए, ये हमारे 7 दिन का अल्टीमेटम है। अगर ऐसा नहीं करते शासन प्रशासन हरियाणा सरकार तो हम लोग भीम आर्मी के तमाम संगठनों के साथ में तमाम विरोधाभास को नज़रअंदाज करके एक होकर के और इस अपमान का बदला लेकर लेने का हम प्रण ले चुके हैं और जब तक हम नहीं बैठेंगे के ऊपर जब तक बाबा साहब के अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा सर। तो क्या लगता है क्या सजा आप चाहते हो उस व्यक्ति के लिए, उस दरिंदे ने जिस प्रकार से बाबा साहब की प्रतिमा को तस्वीर को जड़ाया है, आप क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं उसके लिए, क्या कठोर सजा मांगते हैं आप? हमारे हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे संविधान से बाहर जाकर के बात करने का हमें हमारे पिता ने हमारे बाप ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कोई राइट नहीं दिया है कि हम संविधान से बाहर जाकर के कोई बात नहीं करेंगे। जो समानतावादी लोगों विचारधारा के लोग हैं वो सरेआम कहते हैं कि गोली मारो साड़ों को, हम वो भाषा नहीं बोलेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई की जाए, संविधान में बाबा साहब ने उचित काफ़ी कानून बनाए गए हैं, कड़े से कड़े कानून बनाए गए हैं, फांसी की सजा तक लेकर के ताउम्र जेल तक करके उसमें प्रावधान दिए गए हैं। अगर जो भी संवैधानिक रूप से भारत का अपमान करने वाला लोग, इस देश की जनता का अपमान करने वाला लोग, गरीब किसान मजदूर आदिवासी माइनॉरिटी तमाम लोगों का अपमान करने वाला लोग, इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश की उसको नागरिकता रद्द की जाए, उस देश से बेघर किया जाए और उसको इस देश में रखा जाता है अगर लीगल तरीके से तो उसको देशद्रोह का केस लगाया जाए, क्योंकि यहाँ की शांति भंग करने का काम किया है और इस देश की जो एक विरोधाभास समुदायों के विरोधाभास पैदा करने का काम किया है, उन लोगों का कोई राइट्स नहीं बनता इस भारत देश के अंदर रहने का, भारत देश के अंदर सांस लेने का, जिन्होंने भारत का अपमान किया है सब। तो एक बार वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे ताकि सभी दर्शकों को पता चल जाए आखिर किस प्रकार से बाबा साहब की प्रतिमा को, उसकी तस्वीर को आग के हवाले किया गया है। वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं, फिर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से निर्भय होकर ये बाबा साहब की जो तस्वीर है उसको आग लगा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हरियाणा ही नहीं भारत देश के बहुजन समाज को और संविधान को मानने वाले लोगों से एक संदेश देना चाहता हूं, एक मेरी प्रार्थना रखना चाहता हूं कि आज कुछ लोगों की हिम्मत उकलाना के बूढ़ाखेड़ा गांव में इस भारत देश की आत्मा को जलाने का जो काम किया है, जो साहस किया है, वो साहस इस भारत देश का नागरिक कोई नहीं कर सकता। ये जो षड्यंत्रधारी हैं, ये निकरधारी हैं, ये भारत देश के नागरिक नहीं हैं, ये विदेशी हैं और ये साजिश विदेश की है। आज तक इस देश को तोड़ने की जो साजिश रची है वो तमाम विदेशी की विचारधारा ने रची है। वो चाहे कोई भी अंग्रेज हो, चाहे उनसे पीछे, चाहे कितने भी देश को तोड़ने वाली हुक्मरान रहे हैं, अब मैं उन ताकतों से कहना चाहता हूँ अब आपकी नहीं चलेगी, ये देश मेरे बाबा साहब के संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा
और अगर आपने एक हिम्मत की तो मैं बहुजन समाज से प्रार्थना करूं हूं कि तमाम संगठनों और तमाम पार्टियों से हट करके हमारी आत्मा को सम्मान और बाबा साहब की आत्म सम्मान को बचाने के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए इसे उकलाना नहीं, पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन करो। और हर जिलों के अंदर भीम आर्मी के साथियों से कहना चाहूँगा कि वो जब तक घर नहीं बैठे बाबा साहब का सम्मान वापिस नहीं कर लेते। इसमें बहुत से महापुरुष रहे हैं लेकिन हर बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही निशाना बनाने की बातें सामने आती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है मान्यवर कि इस देश के अंदर तमाम बीमारियों का इलाज किसने किया है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो भूखमरी हो, वो चाहे किसानों की समस्या हो, इस भारत देश के तमाम जो 100% लोग हैं उनका बीमारियों का इलाज किसने किया है, तो उसका डॉक्टर है एक पूरे विश्व के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसने 1947 के अंदर इस देश के तमाम जो षड्यंत्रकारी बीमारियां फैला रहे थे इस देश के अंदर, उनका पेट का ऑपरेशन करने का काम किया। तो अब इस देश के अंदर उन लोगों के पेट में मरोड़ है जो इस देश को गंदा करने की साजिश रच रहे हैं, इस देश को बहनों को बेटियों को नंगा घुमाने की साजिश रच रहे हैं, इस देश के अंदर दंगा फसाद फैलाने की साजिशें रच रहे हैं। बाबा साहब के सिपाही अब अनपढ़ नहीं है, बाबा साहब के सिपाही अब पढ़े लिखे हैं, हाथ में ज्ञान है, बुद्धि ज्ञान भी है, पैसा भी है और लठ भी है। अब आपका जवाब जो जिस तरीके से आप मानोगे उसी तरीके से मनाया जाएगा आपको साथियों।